Ayodhya Vivadam Pai Vicharananu 2018 February 8th Vaida Vesindi Supreme Court Allahabad High Court Mundo File Chesina Marikoni Document Lanu Translate Chesi Teesukuravalsi Unnanduna Taginanta Samayam Ivvalani Petitioner Lu Koraru Sunni Waqf Board All India Muslim Personal Law Board Babri Action Committee Tarpuna Vadistuna Kapil Sibal Rajiv Dhawan Dushyant Davelu 2019 July 15 Tarvata Vicharana Chepatalani Supreme Court Lu Koraru కనీసం ఏడుగురు జడ్జీల విస్తృత ధర్మాసనం కేసును విచారించాలన్నారు. ప్రొసీడింగ్స్ ప్రారంభమయ్యే ముందు కోర్టును బహిష్కరించేందుకు కపిల్ సిబల్, రాజీవ్ ధవన్, దుష్యంత్ దవేలు ప్రయత్నించగా జడ్జీలు అభ్యంతరం చెప్పారని హిందూ మహాసభ తరపు లాయర్ చెప్పారు. ఇక వివాదాస్పద స్థలంలో మందిరం నిర్మించి లక్నోలో మసీదుకు స్థలం ఇవ్వాలన్న తమ ప్రతిపాదనను సుప్రీంకోర్టు ఆన్ రికార్డ్ తీసుకుందని షియా వక్ఫ్ బోర్డ్ తెలిపింది. ये उन्होंने कहा कि आगामी पार्लियामेंट्री चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो जून 2019 के बाद हियरिंग चाहते थे. ये कपिल सिब्बल का स्पेसिफिक बयान था कोर्ट को कि जो भी सुनवाई हो जून 2019 के बाद हो. कोर्ट ने इसको बहुत स्ट्रांगली लिया कि चुनाव से बाहर में क्या माहौल होगा उससे कोर्ट का लेना देना नहीं. कोर्ट तो कानून की दृष्टिकोण से जो कुछ भी होगा उस पर निर्णय करेगी. इसमें याचिका भी दायर की गई थी सिलसिलेवार शाम मेनकल कई सारे लोग नहीं किसी भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन को कोर्ट ने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे. और जो भी पक्षकार उच्च न्यायालय के सामने थे उनको उनकी अपील पे सुनवाई 8 फरवरी मुकरर हुई है. 8 फरवरी से उस पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने ये कहा कि तीसरा सत्रवाद की जो इंटरवेंशन है उसको हम सुनवाई नहीं करेंगे. उसको अभी कोर्ट ने कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया. और फर्दर कोई भी इंटरवेंशन 8 फरवरी को सिविल अपील को डेट मुकरर हुआ है उसकी सुनवाई शुरू होगी. उसके पहले जितने पक्षकार है उनके वकीलों को आदेशित किया गया है कि कोई भी टेक्निकल खामी है उसको आप मिलजुल करके आपस में कोर्ट की रजिस्ट्री के साथ बैठकर सॉल्व करके आए. और 8 तारीख के बाद कोई एडजॉर्नमेंट नहीं होगा. उस दिन से कानूनी अपीलों की सुनवाई होगी. शिया वक्फ बोर्ड की जो अपील थी समझौते को लेकर क्या उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया नहीं. कोर्ट ने कहा कि ठीक है सारे पक्षकार होंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उस पर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं हुआ है. आज कोर्ट में कपिल सिब्बल, डॉक्टर राजीव धवन और दुष्यंत दवे इन तीनों एडवोकेट जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों के तरफ से अपियर कर रहे थे इन सबों ने मिलकर के आज की हियरिंग का विरोध किया. और एक समय तो ऐसा आया कि हियरिंग शुरू होने से पहले तीनों कोर्ट से का बहिष्कार करके बाहर निकलना चाहते थे जिसको कोर्ट ने परमिट नहीं किया और कहा कि आप इस तरह से कोर्ट के कार्रवाई को नहीं रोक सकते. आपको सबमिशन करना चाहिए. जबकि पिछले तारीख पर आप सबों ने खुद बयान दिया था कि जो भी अगली तारीख मुकर्रर होगी उस पर सुनवाई होगी. तो आज आप लोग एक प्रिटेक्स्ट और दूसरे प्रिटेक्स्ट का बहाना बना करके कि टेक्निकलिटीज को सामने ले आकर के आप कोर्ट की सुनवाई में व्यवधान क्यों डालना चाहते हैं. इन सबों का कहना था कि जून 2019 के बाद इस मुकदमे की सुनवाई हो. कपिल सिब्बल का यह कहना था कि इसका जो 2019 में लोकसभा चुनाव होगा उस पर असर पड़ेगा इसीलिए जून 2019 के बाद इस मुकदमे की सुनवाई रखी जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि साहब हमें लोकसभा चुनाव या अन्य किसी भी परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रख के कानून के हिसाब से जो भी निर्णय होंगे ये कोर्ट वैसा निर्णय करेगी. बात कोर्ट की हियरिंग में ये हुई है कि शिया वक्फ बोर्ड का जो कम्प्रोमाइज का फार्मूला था वो ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है. दूसरी चीज ये है कि अब वही चीज हो रही है कि जो जिसकी उम्मीद थी कि किस तरह से आज की सुनवाई को टाला जाए और कैसे इनको बहाया जाए और कैसे मुकदमा जो है वो फेस ना किया जाए. तो वही सब बातें चल रही है. तो अभी तो चल रहा है. आर्गुमेंट कपिल सिब्बल ने रखे हैं उसे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लड़ो ना. कहते हो कोर्ट का फैसला मानेंगे तो कोर्ट में अपनी बात रखो. भागने की क्या जरूरत है? कोई भी हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम पक्ष कोई भी हो, भाग क्यों रहे हो? जब दूसरी पार्टीज मेरिट पे बहस करने को तैयार है तो तुम क्यों भाग रहे हो? मतलब मामले को सॉल्व होना चाहिए ना.